हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक। हम लोग सीख रहे हैं एमएस वर्ड 2007 हिंदी में स्टेप बाय स्टेप। एमएस वर्ड में हम किस प्रकार से काम करें, कैसे काम करें, उसके सभी तरीकों को हम क्रमशः सीख रहे हैं। पिछली बार जो हम लोगों ने सीखा था, कुछ टूल के बारे में जानकारी लिया था पिछले वीडियो में। उम्मीद है आपने प्रैक्टिस किया होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, करना क्या आपको, हम लोगों ने जो पीछे सीखा था, कंट्रोल प्लस ए और सेलेक्शन, ये दो चीज़ों के बारे में हम लोगों ने सीखा था कि कैसे कंट्रोल ए का यूज करते हैं और कैसे सेलेक्शन पे काम करते हैं। अब हमें जो आज नया शुरू करना है, कुछ नया जोड़ेंगे। देखो, अब होता क्या है कि अगर हमें शॉर्टकट के साथ अगर हम काम करें तो हम अपने काम को बहुत बेहतर तरीके से कर सकते हैं और तेज़ी के साथ कर सकते हैं। आज चलिए हम एक नया टूल और जोड़ते हैं। इसे हम कहते हैं कंट्रोल सी, इसे कहते हैं कॉपी कमांड, इसे कहते हैं कॉपी। दूसरा है कंट्रोल प्लस वी, इसे कहते हैं पेस्ट कमांड। ये दो चीज बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए। और एक और मैं बता दूं आपको, इन तीनों पे हम चर्चा भी करेंगे और आपको करके मैं दिखाऊंगा भी कि कैसे ये काम करता है। ये है सेव कमांड, ठीक है। तो आप देख रहे हैं हमारे पास तीन कमांड्स मैंने लिया है। कंट्रोल सी कॉपी कमांड, ये कॉपी करने का काम करता है। कंट्रोल वी ये पेस्ट करता है, अर्थात एक ही डॉक्यूमेंट को, एक ही लेटर को, एक ही लाइन को, एक ही वर्ड को कई बार उसकी रीप्रिंटिंग कर देता है स्क्रीन पे आपके, आपके पेज पे। समय भी बच जाता है और आप जल्दी कर भी लेते हैं। सेव जो होता है, जो भी आप काम करते हैं उसे सेव करने के लिए। तो यहाँ पे मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ। यहाँ देखिए, ये सेव कमांड है और यहाँ पे प्रिंट कमांड है। हम एक और कमांड जोड़ देते हैं इसमें, कंट्रोल पी। कंट्रोल के साथ यदि आप पी दबाते हैं तो ये जो होता है प्रिंटिंग, प्रिंटर के द्वारा आपका डॉक्यूमेंट प्रिंट होने लगता है। तो ये हो गया कंट्रोल सी से कॉपी कमांड, फॉर कॉपी के लिए होता है। कंट्रोल वी पेस्ट, फॉर पेस्ट। कंट्रोल एस सेव, सुरक्षित करने के लिए, फॉर सेव। एंड पी फॉर प्रिंट, ये कमांड आप करते हैं। अब चलिए मैं इसको चेक कराता हूँ। अब पिछला कमांड भी चेक हो जाएगा। अब हमें क्या करना है कि कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ ए दबाना है। जैसे हम कंट्रोल के साथ ए दबाएंगे तो हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। देखिए, ये सारा सिलेक्शन हो गया। अब क्या करेंगे कि कंट्रोल के साथ सी दबा देंगे पहला कमांड चेक करने के लिए। कंट्रोल के साथ सी मैंने दबाया कीबोर्ड के द्वारा। अब मैं देखता हूँ कि क्या कॉपी हुआ है, नहीं हुआ है। अब मैं थोड़ा नीचे आ जाता हूँ दूसरे पेज पे। और दूसरा कमांड आपका है, डियर स्टूडेंट्स, आप देखिए यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए कंट्रोल वी पेस्ट है। तो अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे आकर के अब कंट्रोल कीबोर्ड से, मैं सबसे पहले कंट्रोल मैंने दबा दिया, अब मैं वी दबाने जा रहा हूँ। जैसे वी दबाऊंगा, आप देखिए जैसे मैंने वी दबाया तो ये कॉपी हो गया, पहली कॉपी बन गई। दूसरी बार दबा देंगे, ये देखिए दूसरी कॉपी बन गई। देखिए ये दो कॉपी हमारी बन गई। इसके बाद से हमने एस कमांड, अगर कंट्रोल के साथ मैं एस दबाता हूँ, जैसे हम एस दबाएंगे तो ये पूछेगा कि आपको नाम सेव करना है, कैसे नाम आप सेव करना चाहते हैं, इस फाइल का नाम दीजिए। तो मैं इसमें दे देता हूँ क्लास टू, क्लास मैं इस दे देता हूँ टू और मैं कर देता हूँ सेव। अब देखिए क्लास टू करने के बाद मैंने इसे सेव कर दिया। अब देखिए जैसे अब एक कमांड और बचा है, प्रिंट कमांड। अब कंट्रोल के साथ जैसे पी दबाएंगे तो मॉनिटर स्क्रीन पर प्रिंट का एक डायलॉग बॉक्स आ जाएगा और यह डायलॉग बॉक्स यह इंडिकेट कर रहा है कि भाई आपने प्रिंट कमांड दिया हुआ है, इसकी प्रॉपर्टीज़ को आप सेट करिए। तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले आप ये देख पा रहे हैं कि ये प्रिंटर का नाम है। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, ये देखिए जितने प्रिंटर आपके यूज होंगे वो प्रिंटर का नाम होगा, ये प्रिंटर का नाम होता है। इसके बाद से यहाँ पेज रेंज होता है, इसमें क्या ऑल पेज करना है, एक पेज करना है, दो पेज, वो आपको डिसाइड करना है।
यदि पूरी फाइल को करना है तो आप ऑल कर दीजिए, करंट पेज को करना है तो यहाँ पे क्लिक करिए और करंट पेज केवल करेगा, और उसके बाद से पेज नंबर देना चाहते हैं कि कौन सा, एक नंबर पेज करना है, चार नंबर करना है, वो नंबर आप दे सकते हैं। अब उसके बाद से नंबर ऑफ कॉपी, कितनी प्रिंटिंग आप निकालना चाहते हैं, 10 निकालेंगे, 5 निकालेंगे, एक निकालेंगे, वो नंबर आपको यहाँ पे टाइप कर देना होगा, ठीक है। जैसे वो नंबर आप टाइप करेंगे तो जैसे मान लीजिए मैंने 10 टाइप किया, अब ये 10 कॉपी प्रिंट करेगा। उसके बाद से यहाँ पे आ जाइए, प्रिंट व्हाट डॉक्यूमेंट्स है, यहाँ पे हम क्लिक करते हैं। देखिए डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टीज वगैरह मार्कअप वगैरह आया, बहरहाल इसे हमें कोई छेड़छाड़ करने की ज़रूरत नहीं है। प्रिंट के लिए ऑल पेज इन रेंज, पेज इन सीट, वन पेज, टू पेज, तो वन पेज ऑलरेडी रहेगा, नो स्केलिंग रहेगा, ये सारा आप कर सकते हैं। प्रॉपर्टीज में आप जाते हैं तो जैसे प्रॉपर्टीज पे आप क्लिक करेंगे वो प्रिंटर की प्रॉपर्टीज ओपन हो जाती है, और प्रिंटर की प्रॉपर्टीज ओपन हो जाती है तो यहाँ पे पेपर का जो साइज कौन सा है, देखिए यहाँ लेटर पेज है, आपको मालूम होगा कि जितनी भी पेपर यूज होते हैं उनकी साइजें होती हैं। सामान्यतः ऑफिसों में यूज होने वाला जो पेज होता है वो A4 साइज का होता है और लेटर होता है, अधिकतम जो भी पेपर होता है वो A4 साइज का होता है, ये A4 साइज का, ठीक है। फोटोकॉपीज वगैरह भी अधिकतम A4 साइज के पेपर पे ही हुआ करती है, तो ये आप सेट कर सकते हैं, बाय डिफॉल्ट ये लेटर होता है। सोर्स जो आप देते हैं ये ऑटो सेलेक्ट होगा कि मैनुअल फीड होगा, ऑटो सेलेक्ट रखेंगे। टाइप इस, इसे प्लेन पेपर रखना है हमको। अब यहाँ आ जाइए, प्रिंट की क्वालिटी क्या होगी, जब यहाँ पे आएंगे आपको तो दो दे रहा है, फास्ट RES 600, ये जो होता है डियर स्टूडेंट्स ये रेजुलेशन होता है, क्वालिटी होती है। नॉर्मल तो ये रहता है 600 DPI पे, लेकिन यदि आप इसे 1200 DPI पे कर देंगे तो प्रिंटिंग और भी बेहतर आएगी, लेकिन आपके प्रिंटर का कलर बहुत उठाएगा। इको मोड आप कर देंगे तो ये इकोनॉमी मोड में चला जाता है, अर्थात कलर कम उठाएगा और आपकी प्रिंटिंग ज़्यादा होगी, लेकिन क्वालिटी थोड़ा सा हल्का हो जाएगा। तो उम्मीद है कि ये सारी चीज़ आप समझ गए होंगे। इफेक्ट्स में जाते हैं, इसकी इफेक्ट्स वगैरह, फिनिशिंग वगैरह, ये सारी चीज़ें आपका है, तो हमें बस इससे लेना देना ज़्यादा होता है, और फिर आप इससे अपना जैसे हम ओके कर देंगे तो ये तुरंत हमारा क्या हो जाएगा, प्रिंटर।